एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध मैं क्या करूं, मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले और कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है, और कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे खाने से हम सबकी भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान से भी हम सबके मन शांत हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गाँव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने पे बुलाया गया है, तुम भी कल मेरे साथ वहाँ चलना। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुँचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पे बुलाया था। उन दोनों के साथ ही वह सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुँह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जाओ और जाकर मेरे लिए दूसरा भोजन बना कर लाओ। और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से माफ़ी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में दो रोटियाँ अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियाँ मुझे एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियाँ एक कपड़े में लपेट कर गुरु को दे दी। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी। गुरु ने कहा, बस स्वादिष्ट? और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है, भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? तुम तो कह रहे हो कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर उसे भी स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं लगा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही बना था, लेकिन पता नहीं उस सेठ को क्यों पसंद नहीं आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते दोनों गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं? गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर एक बहुत ही पतला और फटे हाल इंसान आकर गुरु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई, उसने खाना शुरू किया। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, वह रोता जा रहा था और खाता जा रहा था, साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा भी करता जा रहा था, शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए कि तूने ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरुजी ने उसे रोककर पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद स्वाद तो था ही नहीं भगवान, इन रोटियों में तो साक्षात परमात्मा था, जीवन था, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहां से चला गया। उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आता है, और इस इंसान को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती,
तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, लेकिन उस भूखे इंसान को इसी भोजन से अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जितनी बड़ी प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। जिस इंसान के अंदर ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, ध्यान के लिए जितनी बड़ी चाहत होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध, उनकी विचारधारा और बुद्धिज्म के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा। इस किताब में लेखक ने गौतम बुद्ध के शुरुआती जीवन, उनके द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग, बुद्ध के द्वारा बताए गए चार आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग, फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अराउंड द वर्ल्ड, प्रेजेंट दलाई लामा, बुद्ध का मानवता के लिए संदेश, फेस्टिवल एंड होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म इत्यादि को बहुत ही सरल शब्दों में और डिटेल से समझा रखा है। इसलिए एक बार आपको इस किताब को जरूर। गौतम बुद्ध ने कहानी को समाप्त करते हुए अपने उस शिष्य से कहा, उस गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तो तुम सबसे पहले तो ये समझो कि जो लग जाए वो मन ही नहीं है। मन का तो काम ही है भटकना, एक चीज से दूसरे चीज पर भागते रहना। खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो मन उस वस्तु से ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है। जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है, तो यह उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव भी रखता है, जैसे उस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा लगाव था। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो फिर ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राणों पे आ जाए, कोई वस्तु प्राणों से जुड़ जाए, जैसे उस गरीब के लिए दो रोटियाँ, तो वह मन गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते। जो मिल जाता है हम बस उसे खा लेते हैं, फिर स्वाद जैसा कुछ नहीं रह जाता। हमारा मन भोजन या किसी भी वस्तु के लिए जो उस समय जरूरी है, उसके लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। फिर हम जो भी खाते हैं, हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें रस आने लगता है। और ये सब केवल तब होता है जब मन जैसा कुछ नहीं होता। हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे अध्ययन में लगाने की कोशिश करता है, तो कोई अपने दूसरे कामों में। लेकिन तुमने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम लगना नहीं है, बल्कि मन का काम तो हमें भगाना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी से तीसरी वस्तु पर। और ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे ये पाना चाहता है, जो पा लिया है उससे दूर जाना चाहता है। और जब वो वस्तु या इंसान हमसे दूर चला जाता है, तो ये फिर उसे पाना चाहता है। ये लगातार ऐसे ही हमें भगाता रहता है, यही इसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अब आप लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भगाना है, तो क्या हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे? क्या कभी हम अनंत शांति का अनुभव नहीं करेंगे? क्या कभी हम रुकेंगे नहीं? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए, तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे, तो कभी किसी दूसरे इंसान के पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ बिरले लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो इस भागा दौड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जाग चुके होते हैं, वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसलिए वो व्यर्थ चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, फिर चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ऐसे लोग प्रबुद्ध कहलाते हैं। अब आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि आप लोग अपने अंदर शांति कैसे ला सकते हैं, ठहराव कैसे ला सकते हैं, खुद के मन को अपने को भगाने से कैसे रोक सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, और वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है, मन विचलित करता है। ध्यान ठहराव लाता है, मन भगाता है, मन लालच पैदा करता है। लेकिन ध्यान उस लालच को देखने और महसूस करने का रास्ता प्रदान करता है। मन कहता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ध्यान कहता है जो तुम्हारे पास है पहले उसे अच्छे से जान लो। ध्यान तुम्हारे अंदर एकाग्रता लाता है, लेकिन तुम ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हो। तुम आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान मानते हो। मानो कोई एक स्त्री है जो बहुत अच्छा गाती है, जब वह गाती है तो उसमें पूरी तरह से खो जाती है, उसका मन गायब हो जाता है। यही उस स्त्री के लिए ध्यान है। और यह इसलिए होता है क्योंकि उस स्त्री को इस काम में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, यही है जो वो बहुत अच्छे से कर सकती है। वो वही कर रही है
जो वो हो सकती है। एक माली है, जब वह बागवानी करता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है, इसमें रुचि है उसको, यही उसकी प्रकृति है। जब वह बागवानी कर रहा होता है तब उसके मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। वह उस समय ना तो अपने अतीत के बारे में सोचता है और ना ही अपने भविष्य के बारे में। वह उस समय पूरी तरीके से वर्तमान के क्षणों को जी रहा होता है और यही उस माली के लिए ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है जो असल में वो नहीं है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, वह भागना शुरू कर देता है। अगर वह सब कुछ पा भी लेता है तब भी सोचता है कि कुछ तो रह गया है, और उसका यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो वो हो सकता था, जो उसकी प्रकृति थी, वह वो नहीं हो पाया और उसके सिवा सब कुछ हो गया। और ऐसे ही हम अंदर से अधूरे रह जाते हैं, तब हमारा मन कहीं नहीं लगता। मन की तो प्रकृति ही नहीं लगने की है, जो लगता है वो तो ध्यान है, वो तो एकाग्रता है। और जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, समझ जाना, उसी के लिए आप बने हैं, उसी को करके आप पूर्ण हो सकते हैं, संपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।